अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो आप सब? बढ़िया तो भाई हम लोग सारे आ चुके हैं, मेरे साथ वही मेरे तीन कज़न हैं। सो अभी बढ़िया नया रेस्टोरेंट खुला है मीरपुर में, स्पाइसी एंड ग्रिल। तो उधर का खाना भी ट्राई करते हैं और दिखाते हैं रेस्टोरेंट कैसा आपको। सो डायरेक्ट मिलते हैं स्पाइसी एंड ग्रिल। सो आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सो भाई अभी हम लोग स्पाइसी एंड ग्रिल पे पहुंच चुके हैं। सो अभी चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या सेटअप है। आ चुका है मेन्यू कार्ड। तो अभी हम लोग आके बैठ चुके हैं। सो अभी कुछ ऑर्डर करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या ऑर्डर किया और उसका टेस्ट क्या है। चिकन धागा कबाब, एक चिकन टिक्का कर दो। धागा कबाब, बीफ धागा कबाब कर दो। तो भाई अभी हमने ऑर्डर दिया है बीफ धागा कबाब और चिकन टिक्का और मलाई बोटी रोल। तो ये अभी इसको 15-20 मिनट लगेंगे बनने में, तो जब आता है फिर आप लोगों को दिखा। तो भाई अभी आया, मतलब सॉसेज वगैरह आ चुकी हैं, तो मतलब अभी हमारा खाना आने वाला है। तो प्लेट्स सॉस वगैरह आ चुकी है, सो जब खाना आता है फिर आप लोग दिखाते हैं। हमारा ऑर्डर आ चुका है, एक एक बीफ धागा कबाब, एक टिक्का है, एक रोल है और पराठे। तो ये आप बोलते हैं, दिखाते हैं आपको शक्ल कैसी है। ये धागा कबाब, तो ये है बीफ धागा कबाब। ये धागे तो दिख ही नहीं रहे, तो घूमा लगता है धागे का वैसे तो। और ये पराठे रोल और टिक्का भी अनबॉक्स करो, अनबॉक्स करो बिल्कुल भी डब्बल में। ये टिक्का भी कुछ इस टाइप का है, इसका जो सही है मतलब मसाले वाला नहीं लग रहा इतना, टेस्ट करके बताएंगे। और ये है धागा का काफे का रोल। तो अभी आप लोगों को टेस्ट करके बताते हैं कि इनका खाना कैसा है। धागा है भाई, है धागा। तो मैं भी टेस्ट करता हूँ। पराठे थोड़े कड़क कड़क लग रहे हैं, ये नॉट बैड, अच्छे हैं। लेकिन धागा कबाब वाला टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब जैसे आप नॉर्मल कबाब खाते हो उसी टाइप का टेस्ट लग रहा है। तो अब आप तो बस थोड़े धागे धागे, तो अब टिक्का और रोल तो राफे से पूछते हैं। अच्छी लगा आपको धागा कबाब? अच्छा है राफे, आपका रोल कैसा है? अच्छा मोहसिन, आपको बस सही लगा। सो अब टिक्का वगैरह भी टेस्ट करते हैं और आप लोग बताते हैं। साथ साथ ड्रिंक्स भी आ चुकी हैं हमारी, राफे ने मंगाई है स्टिंग, हम तीनों ने मंगाई है 7 अप। सो भाई अब टेस्ट करते हैं इनका टिक्का। क्या मसाला वगैरह नहीं है, मतलब फीका फीका थोड़ा सा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, फीका फीका लग रहा है, इतना मसाले वाला नहीं लग रहा। सो एवरेज टेस्ट है बस। टिक्का टेस्ट कर,
आवाज नहीं जा रही होगी फिर माइक की तरफ। मोहसिन कैसा है? कैसा है भाई? ठीक है। ये बना हमारा बेल टुकड़े दो जल्दी से निकल ले निकल ले निकल ले। ये बना 1595। तो भाई हम लोगों ने खाना खा लिया, सो भी हम आ चुके हैं बाहर। इनका टेस्ट मतलब एवरेज था, कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं था ना इतना ज्यादा बुरा था। इक्का तो हमें फीका लगा। और क्या रिव्यू दोगे भाई आप लोग? भाई रिव्यू हम देंगे नंबरिंग में, हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं भाई हम इसे कितने नंबर दें। मतलब खाना हमारे मेयार का नहीं था, फीका फीका था, टिक्का बहुत फीका था, थोड़ा और जो सही एवरेज था इतना। और जो बिहारी कबाब जो है ना, धागा कबाब, वो जैसा सोचा था वैसे नहीं, जैसा हमने खाया है ना कराची वगैरह में, मीरपुर में पहली बार था, जैसा हमने खाया है वैसा बिल्कुल नहीं था। हम वही एक्सपेक्ट करके आए थे कि वैसा, लेकिन वैसा नहीं था। टिक्का और ब्राना सब आंसुओं में बह गए हम। टिक्का और ब्राना मतलब सही था। हमने का फर्स्ट टाइम नया रेस्टोरेंट खुला और हम आप लोगों को दिखाए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप लोग ट्राई करना है तो आप ट्राई करने आ सकते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को टेस्ट करने आना है तो आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, मतलब सही था इसका टेस्ट। तो इधर मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।